हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का, जिसमें हमें कोट थीटा 7/8 दिया है और हमें फर्स्ट कंडीशन जो है इसकी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस्टा निकालना है और सेकंड में कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। कोट थीटा हमारा है 7/8। ओके, तो फिगर बना लेंगे इसकी। ए बी सी यहाँ पे हम थीटा मान लेंगे, जो हम हर बार करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यहाँ पे हम लिख लेंगे। सबको आपको याद हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो ये हमारा है साइन, ये कोस और ये टेन। आपको ये फॉर्मूला सबको लर्न हो गया होगा। तो टेन का हमारा होता है उल्टा कोट, नीचे होता है कोट थीटा यहाँ पे। तो कोट का क्या होगा, कोट का हमारा होता है बी अपॉन पी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोट थीटा इक्वल टू हमारा 7/8 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा हमारा ये है, तो इसके सामने का हमारा होगा परपेंडिकुलर ये। तो परपेंडिकुलर हमारा इसमें 8 है और बेस हमारा है 7। तो हाइपोटेनस हमें निकालना है इसमें। हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो हम निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग ए सी हमें निकालना है यहाँ पे। तो ए सी स्क्वेयर हमारा होगा ए बी का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर। और यहाँ पे ए सी हम निकालेंगे तो इधर रूट चला जाएगा स्क्वेयर का, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी इसमें हमें दिया हुआ है 8 और बी सी दिया हुआ है इसमें हमें 7। तो ये हो जाएगा 64 एंड 49। अगर इसको आप ऐड करेंगे तो 113 ये होगा। तो ये हमारा आया 113। अब हम देखते हैं हमें निकालना क्या है यहाँ पे। फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है इसमें हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें आगे 2 मेथड हमारे बनते हैं सोल्व करने के लिए, पर मैं आपको सिंपल मेथड से ही करा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूले वो नहीं बताए हैं। अब वो जो हमारे फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करना है। आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी मैं सिंपल तरीके से कर देती हूँ। इसमें जो हमारा हर बार लगता है ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे इसको। तो ये होता है साइन हमारा और ये कोस। तो इसमें 1 माइनस, तो साइन का क्या होगा पी अपॉन एच का स्क्वायर और कोस का 1 माइनस बी अपॉन एच का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बार आप, तो आप ये देखिए हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेनस है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम सारी इसमें वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस परपेंडिकुलर हमारा 8 है, 8/113 रूप में स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/113। तो 1 माइनस 8 का हो जाएगा हमारा 64 और इसका रूट में 113 हमारा होगा। यहाँ पे भी सेम यही रहेगा, सॉरी हाँ, इस जब हम स्क्वायर होता है तो रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से रूट, 113 आएगा। अगर 113 की मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो 113 आएगा, माइनस 64 हमारा आएगा। फिर आपको सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, 113 माइनस 49 49 और 113। अब आपको क्या करना है, अगर आप 113 में से 64 माइनस करेंगे, माइनस करके देख लीजिए आप,
तो यहाँ पे हमारा बचता है 49/113 और 64/113। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी इसमें, यह आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो आप ऐसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 49/64 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट इसमें जो हमें फाइंड करना है, सेकंड हमें इसमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू हमें इन्होंने दी हुई है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ओके, बहुत ईजी सा है। तो अब हमें कोट स्क्वायर थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं कोट थीटा का स्क्वायर, और हमें कोट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 × 49/64 इसमें हमारा आंसर आएगा। ओके, अब हम 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 3 cot को इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और 1 − tan² / 1 + tan² = cos² − sin² हमें निकालना है, हमें बताना है कि क्या ये इक्वल है। तो पहले हम इनको निकालेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना है क्या दिया हुआ है। तो 3 cot A इक्वल टू हमारा 4 दिया है, तो कोट ए हमारा 4/3 हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला वही जो बार बार पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये होता है हमारा कोट बी अपॉन पी। तो कोट ए इक्वल टू 4/3 है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। बेस और परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है इसमें, तो हम क्या करते हैं इसमें ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। ओके, तो हमने फिगर बना लेंगे यहाँ पे ए बी सी। ध्यान रखना है एंगल आपका ए है इसमें। ओके, देखिए 3 cot A = 4/3 दिया हुआ है और उसमें भी हमें ए ही निकालना है। तो इस अगर हम एंगल ए मानते हैं तो ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, जो कि हमारा 3 है और बेस हमारा है इसमें 4। तो हमें हाइपोटेनिसिस में निकालना है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम जो हमें हमेशा ही करते हैं। ओके, तो ए सी स्क्वायर हमारा होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी निकालेंगे तो इधर रूट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, पहले से आप पढ़ रहे हो, मैंने आपको बता भी दिया है। तो ए बी की हमारी वैल्यू है 4 और बी सी की है 3। तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9। तो ए सी इक्वल टू हमारा आएगा रूट में 25। तो ए सी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए सी इक्वल टू हमारा आएगा 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ओके, तो अब हमें निकालना है 1 − tan² / 1 + tan² और इक्वल में cos² − sin² क्या इक्वल है। तो हम इसको निकालते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमें निकालना है 1 − tan² / 1 + tan² = cos² − sin². तो 1 − tan² हम निकालेंगे तो हमारा देखिए ये होता है साइन, ये कोस, ये टेन, तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो 1 − यहाँ पे टेन है तो टेन का होता है पी अपॉन बी का स्क्वायर अपॉन 1 + p/b का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा है कोस, तो कोस हमारा होता है b/h² − sin होगा हमारा p/h². तो 1 − परपेंडिकुलर हमारा है इसमें 3/4 आएगा यहाँ पे, बेस हमारा 4 है इसमें, और यहाँ पे सेम 3/4 का स्क्वायर इक्वल में बी हमारा इसमें यहाँ पे है 4 और ये है 5 हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर हमारा है 3/5 का स्क्वायर। तो समझ आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में मुझे भेजे। तो अब इसमें हम करेंगे 1 − 3 = 9, 4 × 4 = 16 और 1 + इसमें भी यहाँ पे 9/16, ये 4 × 4 कितने होते हैं 16, 5 × 5 = 25, तो 3 × 3 = 9/25। तो यहाँ पे 16 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 16 आएगा,
ये तो आप जानते ही हैं, और 16 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्योंकि हमारा 25 सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। 16 में से अगर 9 जाएंगे तो यहाँ पे 16 में 9 जाएंगे तो 7 अपॉन 16 एंड 25 अपॉन 16 और यहाँ पे 7 अपॉन 25, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी इसमें। हम यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, पर डायरेक्ट नहीं काटेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं इसको, 16 से 16 कैंसिल, तो हमारा आएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 7 अपॉन 25 इक्वल टू 7 अपॉन 25, तो ये हमारा आया, यस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का मैं ओनली आपको वन पार्ट बताऊंगी, क्योंकि सेकंड पार्ट सेम है, तो सेकंड पार्ट आप होमवर्क में समझ लीजिएगा, आपको खुद से करना है, तो वन पार्ट करते हैं हम सेकंड 9 क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें टेन ए दिया है 1/√3, और ये हमें फाइंड करने हैं, और ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें राइट एंगल बी है। जब आपको कोई राइट एंगल दिया हो तो आपको ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे जहाँ पे राइट एंगल आएगा आपको बी ही मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या हमें दिया हुआ है, टेन ए इक्वल टू हमारा है 1/√3, तो फिगर बना लेंगे, यहाँ पे राइट एंगल है तो ये बी आएगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है हमारा साइन, ये कोस और ये टेन। ओके स्टूडेंट्स, तो टेन ए इक्वल टू हमारा दिया है 1/√3, तो 1/√3 इट मीन्स पी अपॉन बी, तो पी हमारा 1 और बी हमारा √3, पर पेंडिकुलर और बेस हमारे पास है, तो एंगल ए है, तो अगर हम एंगल ए मानते हैं तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, ये हो जाएगा √3। ओके, तो हाइपोटेनस हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बहुत बार जो आप कर चुके हैं वही अब करना है आपको। तो ए सी हो जाएगा हमारा इक्वल में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर रूट में, तो √3 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का होगा। आपको पता है अगर रूट का हम स्क्वायर हो तो रूट कैंसिल हो जाता है। ओके, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, ये आएगा 4, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आएगा 2। तो हाइपोटेनस हमारा यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया हमारा 2। अब हमें क्या क्या निकालना है ये देखते हैं। साइन ए निकालना है यहाँ पे हमें, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो भी निकालना है हमें, साइन ए कोसी कोसे साइन सी, फिर आसानी से हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइन ए, तो साइन ए हमारा साइन होता है पी अपॉन एच, तो पी हमारा है क्योंकि ए ही इसमें एंगल है और एंगल ए के ही हमने यहाँ पे वैल्यूज रखी हुई है, तो ये आ जाएगा 1/√2। ओके, अब हमें निकालना है कोस सी, तो एंगल हम ये मानेंगे, सी का हमारा कोस का हमारा होता है बी अपॉन एच, तो एंगल हम सी मान रहे हैं, तो हमारा √3 क्या हो जाएगा, √3 हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो √3/2 आएगा। अब फिर से हमें ए, अब ए मानना है एंगल, ए मानेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, बी अपॉन एच है तो बी हमारा होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर हम सी मान रहे हैं एंगल तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, हमें बेस की ज़रूरत है, तो यहाँ पे सॉरी 1/√2 आएगा। अब कोस हमारा, तो कोस में फिर से फॉर्मूला तो सेम ही है, बी अपॉन एच, अभी देखना है यहाँ पे ये एंगल है तो परपेंडिकुलर ये होगा, हमें बेस की ज़रूरत है, तो √3 आएगा हमारा, तो ये होगा हमारा √3/2। अब साइन सी, तो साइन के लिए ये सी रहेगा यहाँ पे और परपेंडिकुलर होगा √3, तो √3/2 आ जाएगा, पी अपॉन एच इक्वल टू √3/2। तो साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी सबकी वैल्यूज हमें मिल गई है, अब डायरेक्ट हमें इसमें रख देनी है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो यहाँ पे साइन ए का हमारा 1/√2 मल्टीप्लाई कोस सी का 1/√2 प्लस कोस ए का हमारा है √3/2 और साइन सी का भी √3/2। 1 की 1 में अगर हम करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, √3 की √3 में करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा,
और तो फोर तो एक ही डिजिट है, 4 × 4 = 4, तो इसका आंसर हमारा आया 1। सेकेंड आपको खुद से करना है, बिल्कुल ऐसे ही आपका होगा, वैल्यूज सारी निकली गई हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, तो वो आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है ट्रेंगल पी क्यू आर, राइट एंगल जिसमें क्यू है, पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया हुआ है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, और हमें वैल्यू निकालनी है साइन पी, कोस पी और टेन पी की। तो सब क्वेश्चन में क्या होता है, हमें 2 वैल्यूज दी जाती है और एक निकालनी होती है। इसमें क्या है, इसमें हमें एक वैल्यू दी है और बाकी की 2 निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसमें फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है कि राइट एंगल हमारा क्यू है, तो यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे पी मान लेंगे, यहाँ पे आर मान लेंगे। ओके, तो पी क्यू हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बाकी ना ही हमारे पास क्यू आर है और ना ही पी आर। तो सबसे पहले हम जो यूज गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ है गिवन, हमारे पास इक्वेशन है एक, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा हमारा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, हम इसे इधर भी लिख सकते हैं, पहले इसको इतना कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो पी आर हमें नहीं दिया हुआ है, प्लस क्यू आर, क्यू हमें सिर्फ पी क्यू दिया हुआ है, तो इसको मैं इधर लेके चली जाती हूँ। तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम वो लगा देंगे तो हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर। ओके, तो पी क्यू की तो वैल्यू दी हुई है ना 5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लेते हैं 5। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर हमें दिया हुआ है, इसमें देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर है हमारा 25। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 25, ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25/25, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमने तो हमारे पास अब 2 इक्वेशन हो गई हैं जिनसे हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। ओके, तो क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, हमारी थी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी थी पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2 पी आर इक्वल टू 26। तो पी आर 26/2, तो पी आर हमारा आ जाएगा 13। ओके, तो पी आर ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी लिख सकते हैं, तो 2 में मैं लिख देती हूँ इसको, या फिर 1 में किसी में भी। तो 1 में अगर हम लिखते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको लिख देते हैं, रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हमारी है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर की हमारी वैल्यू 13 है प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो अगर आपको क्यू आर हमें निकालना है तो 25 माइनस 13 हो जाएगा, तो क्यू आर हमारा आएगा 12। ओके, तो हमारे पास सारी चीज़ें हो गई ना जो हमें चाहिए थी, तो ये हमारा हो गया इसमें 13 और ये हमारा हो गया इसमें क्यू आर आया हमारा 12। अब हमें निकालना है साइन पी कोस पी टेन पी, तो उसको फाइंड करते हैं हम। तो यहाँ पे हम निकालेंगे साइन पी कोस पी टेन पी, तो हमारा वही फॉर्मूला जो बार बार हम यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये हमारा साइन, ये कॉस, ये टेन।
तो साइन हमारा होता है पी अपोन एच। ओके, तो पी अपोन एच में हमारा हो जाएगा ये 12/13। और अगर हम कोस पी निकालते हैं तो कोस पी हमारा होगा बी अपोन एच, तो ये होगा 5/13। टेन पी निकालते हैं तो टेन पी होता है पी अपोन बी, तो 12/5। ये हमारे आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से करना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के भेजना है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू।